थाउजेंड ईयर्स लेटर। किसी भी गाड़ी हो, गड्ढों में जितनी प्यार से निकालेंगे ना, उतने आपके सस्पेंशन की लाइफ बढ़ेगी। और दूसरी बात बता दूं, कई लोग गारंटी गारंटी करते रहते हैं, भाई गाड़ी हमारी वारंटी में रिप्लेस होगा, ये होगा। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जो OEM के लिए मैन्युफैक्चर होती है ना प्रोडक्ट, वो कभी आफ्टर मार्केट के लिए नहीं होता। क्वालिटी में हमेशा फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना, तो ही आप मतलब अपनी गाड़ी का मैक्सिमम जूस निकाल पाओगे। जैसे अगर आपको गाड़ी 10 साल रखनी है, 5 साल रखनी है, 6 साल रखनी है, तो वो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जो है ना, गाड़ी वारंटी के अंदर जितने भी सामान चेंज होते हैं ना, वो क्वालिटी नहीं मिलती जो कंपनी के साथ लग के आए। क्योंकि दो क्वालिटी का सामान बनता है, एक तो ओरिजिनल फॉर मैन्युफैक्चर जो कि OEM है, चाहे वो टालब्रोस हो चाहे राने हो, किसी भी कंपनी को अगर ऑर्डर मिलता है तो OEM की क्वालिटी का मटेरियल अलग मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग लॉट होता है, अलग लाइन होती है। और जो आफ्टर मार्केट होता है, क्योंकि जो स्पेयर्स आते हैं, बेशक वो कंपनी की पैकिंग में भी आए, ये देखिए लेफ्ट में जुबिलेंट, मेरे कैमरा अगर जस्टिस कर पा रहा हो तो जुबिलेंट। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ डोमिनोज जुबिलेंट है, पर नहीं भाई, बहुत वास्ट कंपनी है ये, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके, जिनमें से एक छोटा सा डोमिनोज है। तो बैक टू द गेम नाउ, और यही बताना चाहूँगा कि OEM के लिए जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है उसमें, और इसमें अब ये दिवाली के आसपास इस सड़क को ठीक कर दिया गया था, मगर ये जो भी थोड़ी बहुत सर्दियों की बारिश हुई है उसके अंदर ये फिर से थोड़ी बिगड़ गई है। पहले थोड़ा पैच वर्क अच्छी क्वालिटी का था, पैच वर्क तो आपको दिख ही रहा होगा रोड पे हुआ। तो सस्पेंशन को जो है, अपने और अपनी गाड़ी को थोड़ा गड्ढों में प्यार से चलाएं, उससे यही होगा कि आपके सस्पेंशन की लाइफ बढ़ेगी। और जो गाड़ी के साथ लग के सामान है ना, वादा है, अगर प्यार से चलाने वाला बंदा है, लाख डेढ़ लाख किलोमीटर तक वो हिलने नहीं वाला, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर एक बार आपने जो आफ्टर मार्केट या फिर आपने शोरूम या अपनी वर्कशॉप जो ओरिजिनल सामान बेचती है, बेशक ओरिजिनल पैकिंग में, उसे एक बार लगवा लिया, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कितना चलेगा, चाहे आप प्यार से चला लो चाहे जैसे भी चला लो। इसलिए इंसिस्ट करूँगा कि अपनी गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाएँ, प्यार से चलाएँ, ताकि वो आपका साथ लंबे समय तक निभाए। ये थोड़ा सा गड्ढों से कुछ रिव्यू दिया था आपको, जो सड़क पर आए थे, पर अब जो है हम निकल चुके हैं वहाँ से और अब आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और बस यही है अपडेट लेटेस्ट। और मैंने यार पहले सोचा था घर से निकल के कि ना मैं खाना खा लूँगा इतना, या फिर नाश्ता वाश्ता कुछ कर लूँगा, पर यार भूख नहीं लगी। देख सकते हैं थोड़े से गड्ढों की शुरुआत हो चुकी है और मैं गजरौला के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे ही रोड थोड़ा पैची सा है, बाकी तो पूरे रास्ते सही है। और थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा अपनी थोड़ा ड्राइविंग वगैरह किस तरीके से करते हैं अपना हाईवे पे। यहीं पे ही एक पैची रोड है बस, पूरे दिल्ली से लेके बरेली तक के रस्ते पे, बाकी तो पूरा रास्ता एकदम नया बन गया है। और आज दिन में जो है थोड़ा 27-28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने की उम्मीद हो रही है, अभी 25 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, लेकिन फील ऐसा 27-28 जैसा हो रहा है। आगे रास्ता खाली है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया चल रहा है। और परफॉर्मेंस गाड़ी की एकदम सही आ रही है, 21 की माइलेज दिखा रही है गाड़ी अभी भी। मैक्सिमम कोशिश करिए टॉप गियर में गाड़ी रखें और एक्सेलरेशन पैडल को जितना हल्का हो सके उतना रखें। तो मैं तो अचीव कर लेता हूँ, बहुत सारे भाई मेरे कंप्लेंट करते रहते कि नहीं अचीव कर पाते, पर भैया जो भी आपके सामने हैं देख सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं अच्छी माइलेज। थोड़ा सा सेंसिबल ड्राइविंग की ज़रूरत है। ये देखो ट्रैक्टर वाला कैसे झूला झूला आ रहा है।
ट्रक वाले बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, एकदम एक बार डिपर, एक बार दिया पास, एक बार में साइड। ये जुबिलेंट आ चुका है मेरे लेफ्ट में, जुबिलेंट है, RACL है, इसके आगे जुबिलेंट ही है। तो ये यही इसकी पहचान है कि भैया हम आ चुके हैं। थोड़ा गड्ढों में ध्यान से गाड़ी को चलाना ज़रूरी है, वरना सस्पेंशन की बैंड बच जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, चाहे महिंद्रा थार हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, अरे मेरे भाई सब गाड़ियों के अंदर जो बुश होते हैं ना, वो रबड़ के ही होते हैं, लोहे के बुश वाली गाड़ियां नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा एज अ टेक्निकल थोड़ा बहुत होते हुए। अमरोहा का टोल प्लाजा है जो कि जोया लोकेशन पे पड़ता है यार, सबसे बकवास और सबसे बदनाम टोल प्लाजा है ये। पता नहीं क्या ऐठा ऐठी सी करते हैं आगे बंदे। 15 मिनट से मैं खड़ा हुआ, पता नहीं इस ट्रक वाले से क्या इसकी बहस हो गई, काम नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रामपुर पहुँच चुका हूँ और सामने के टोल का नज़ारा दिखाता हूँ, कितनी भयंकर भीड़ हो रही है यहाँ पे। और इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी व्लॉग का पार्ट टू जो नाइट ड्राइविंग का है वो भी आएगा। प्लीज़ इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें। टिल देन बाय बाय, देख के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और बताऊँगा कि यार हाँ, इस अर्बन क्रूजर में एक और नई चीज़ अचीव हुई है जो कि मैं आपको जल्दी ही शायद नाइट ड्राइविंग वाले व्लॉग में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इतने तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखें और सुरक्षित रहिए। बाय बाय। ये नज़ारा है कुछ रामपुर टोल का, शाम के लगभग 4:15 हो रहे हैं।